हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नागरिक शास्त्र के पाठ दो में। हमने ये तीन टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट सेकंड वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ, भेदभाव और भारतीय संविधान। संविधान के बारे में जानें। संविधान जो है वो नागरिकों के साथ अधिकारों और मान मर्यादा की दृष्टि से समान व्यवहार करता है। भले ही धार्मिक विश्वास व्यवहार कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ हो, लेकिन संविधान के मामले में लोग धर्म के प्रति स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं बरतता है कि वो ब्राह्मण है, वो वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, तो उनके लिए अलग कानून। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई संविधान नहीं बना है। सबके लिए एक समान कानून है, संविधान बने हुए हैं। छुआछूत का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया जाता है गया है इसमें। किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है कि वो नीची जाति का है, ऊंची जाति का है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने या मंदिर में प्रवेश करने पर नहीं रोका जा सकता है संविधान के नियम के कानून के अनुसार। राज्य जो है उसमें महिलाओं की रक्षा के लिए विशेष उपाय अपनाने का के लिए और महिलाओं को शक्तियाँ दी गई हैं। भारत की कुछ महिलाएं हैं जो जीवन में अनेक क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हासिल की हैं, तो उनको भी किसी तरह की कोई अलग कानून नहीं बनी है और अलग से कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कानून नहीं है। सबके लिए समान व्यवहार है। संविधान में अनेक मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता का अधिकार। और हम न्याय के क्षेत्र में भी देखें तो न्याय हमारे देश के लोगों के लिए अभी भी दूर की बात है। वहाँ हम उसकी पहुँच से परे हैं। हमारा न्याय जो है वो दंडनीय स्थिति में मुख्य रूप से दो बातें उत्तरदायी हैं। इसमें दो बातें ही मेन हैं न्याय के मामले में, गरीबी और अशिक्षा। देश में गरीबी दूर करने के लिए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और बहुत सारे कानून भी बना रही है और सुविधा प्रदान कर रही है। तो इस तरह हमारे भेदभाव और भारतीय संविधान वाला ये टॉपिक मेरा समाप्त होता है। भारत के संविधान में भेदभाव में क्या मान्यताएं दी गई हैं हमने बता दिया। ये मेरा टॉपिक, ये मेरा पूरा चैप्टर ही आज सेकंड वीडियो में समाप्त होता है। और नीचे में आपको अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर हैं जिसमें टिक लगाने के लिए दिया गया है। इसको आप क्लास और की कॉपी में बनाएंगे और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये आप क्या कीजिए कि आप क्लास और की कॉपी बनाएंगे और 4, 5 को आप होमवर्क की कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और ये बनाने के बाद आपको अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताएंगे, हम आपको मदद करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।